एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट। आज की हमारी वीडियो में हम बनाना सीखेंगे बेबी पैंट्स, बेबी पजामा बच्चे के लिए, छोटे के लिए, जो कि है 0 से लेकर 1 महीने से लेकर 12 महीने तक के बच्चे के लिए है ये, ठीक है। बट मैं पहले ही आपको बता दूं कि साइजेस में फ़र्क आता है, जैसे कि कुछ बच्चे हेल्दी होते हैं, कुछ बच्चे वीक होते हैं वो ज़्यादा पहन लेते हैं, कुछ बच्चे हेल्दी होते हैं उनको थोड़ा सा टाइट हो जाता है 12 महीने तक पहुंचते पहुंचते। तो ये बहुत ही सिंपल से ऐसा पजामा है, मैंने बड़ी साइज़ में ये पहले ही सिखाया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आप वो बड़ी साइज़ वाला पजामा लिंक में आपको मिल जाएगा, जो कि आप 3 to 18 या 20 महीने तक के बच्चे के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं पैटर्न। तो आज हम बनाना सीखेंगे ये। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 5 mm 5 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं, बट आप कोई भी सिलाइयाँ और कोई भी ऊन इस्तेमाल कर सकते हैं। समटाइम्स कुछ ख्वातीन लेडीज़ कहती हैं कि हमारे पास ये निडल नहीं है, चलो ये करते ही नहीं है, बट आपके पास जो भी ऊन है, जो भी सिलाइयाँ हैं, आप यूज़ करें। मैं आपको नाप बताती जाऊँगी कि विड्थ और लेंथ कितनी है, तो आप सिर्फ मेजरमेंट को फॉलो कीजिएगा, नाप को, उससे आपको आसानी होगी। सबसे पहले हम 40 फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे, ठीक है। 40 फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे। कास्ट ऑन के लिए आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन यूज एनी कास्ट ऑन मेथड। और जो बिगनर्स हैं जिनको नहीं आता, वो मेरी वीडियोस में देख सकते हैं, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी हाउ टू कास्ट ऑन स्टिचेस। बहुत सारे मेथड हैं, जो आसान लगे आप वो इस्तेमाल करें। निटिंग टेक्निक की लिस्ट में दूंगी, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें देख लीजिएगा, वरना आप मेरे चैनल में जब जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन होगा ऊपर प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको लिस्ट मिलेगी निटिंग टेक्निक की। दूसरा, अगर आप जस्ट सर्च में लिखेंगे कि कास्ट ऑन बाय क्लीन निट, तो सारे मेथड निकल आएंगे कास्ट ऑन के। कोई भी चीज़ ढूंढनी हो, आप आगे से बाय क्लीन निट लिख देंगे तो वो पर्टिकुलर वो एक चीज़ निकल आएगी सर्च में। और दूसरी बात ये कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया करें, इससे आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाएंगी, तो आप लाइक करके उसको अपनी प्लेलिस्ट में डाल सकते हैं कि भाई जब हम ये बनाना चाहें तो हमें ढूंढनी ना पड़े। तो अब हमने फंदे कास्ट ऑन किए, हम काउंट कर लेते हैं। काउंटिंग बहुत ज़रूरी है, वरना डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग या साइजेस में फ़र्क आएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40। आपको लॉन्ग टेल छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा पजामा भी बचेगा, आप किसी भी साइड से धागा छोड़ सकते हैं पजामे को सीने के लिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट निडल पे ये पजामा बन जाता है। मेरी पूरी यही कोशिश होती है कि बिगनर्स के लिए मैं पहले समझाऊं चीज़ें, देन डिफिकल्ट प्रोजेक्ट। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40 stitches, 40 फंदे यहाँ पे हमने कास्ट ऑन कर लिए हैं। नाउ रो 1, 2, 7 निट 1 into 1 rib border। अच्छा, ये आप ये भी कर सकते हैं कि कोई भी डिज़ाइन का बॉर्डर इसमें डाल सकते हैं, कोई रूल नहीं है। अगर आप बिगिनर नहीं हैं, कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। रो 1, knit 1, purl 1, knit 1, purl 1, ये है 1 into 1 rib, इसे बॉर्डर कहते हैं, रिबिंग। एक सीधा एक उल्टा वाला, जैसे 2 सीधे 2 उल्टे वाला बॉर्डर है, तो हम इसी तरह बुन लेंगे, knit 1, purl 1, knit 1, purl 1, knit 1, purl 1। यहाँ पे हमने रो 1 कंप्लीट कर ली है, आप देख सकते हैं, knit 1, purl 1, knit 1, purl 1, ठीक है। ये सीधा फंदा, उल्टा फंदा, सीधा फंदा और उल्टा फंदा। अब यही रो फिर से रिपीट करनी है, रो 2 सेम एज रो 1, ठीक है, रो 2 सेम एज रो 1, रो 3 सेम एज रो 1, रो 4 सेम एज रो 1, मीन्स knit 1 to 7 rows ऑफ 1 into 1 rib border। 1 से लेकर 7 सिलाइयों तक आपने एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बनना है, एक ही सिलाई है जो कि रिपीट करनी है आपने। knit 1, purl 1, knit 1, purl 1, then on
जब हम वापस मुड़ेंगे फिर से निट वन पढ़ वन निट वन पढ़ वन निट वन पढ़ वन, एक सीधा एक उल्टा, जो सीधा मिला हुआ है रिटर्न रो पे सीधा, जो उल्टा मिला हुआ है उल्टा, ठीक है। तो रिपीट रो वन फॉर सिक्स मोर टाइम्स, एक दफा बुना है और अब टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, टोटल सेवन रोज फॉर बॉर्डर। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात, आप चाहें तो बॉर्डर बड़ा रख सकती हैं, छोटा रख सकती हैं, आप पे डिपेंड करता है बच्चे की साइज के हिसाब से। मैंने इतना छोटा रखा है, मैं सात सिलाइयों का, आप इसे बड़ा छोटा भी रख सकते हैं जितना आपको डिजाइन में डालना हो। तो अभी हम सात सिलाइयां बुन लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम नेक्स्ट जो इसका स्टेप होगा मैं वो आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने सात सिलाइयां बुन के कंप्लीट कर लिया है, बट एक पॉइंट आपने दिमाग में रखनी है कि आप नाप को फॉलो करेंगे सिलाइयों को नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ साइज की सिलाइयां जो होती हैं, नंबर की सिलाइयां होती हैं, वो आपको मुख्तलिफ साइज देती हैं किसी भी चीज की, कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट बना लें आप। ऑलवेज फॉलो मेजरमेंट्स आई शो यू, बिकॉज डिफरेंट नंबर ऑफ नीडल्स गिव यू डिफरेंट साइजेस। सो लेट मी शो यू बॉर्डर लेंथ। अगर सिलाई के नीचे से नापें तो एक इंच का है हमारे पास बॉर्डर, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपको कितनी सिलाइयों के बाद या पहले ये मिल रहा है एक इंच तक का बॉर्डर, एक थोड़ा सा सेंटीमीटर या थोड़ा सा नंबर जैसे ऊपर नीचे हो जाए तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मैं अभी भी कहूंगी कि आप जो बॉर्डर है वो अपनी मर्जी का बना सकते हैं, छोटा बड़ा कि जितना भी आपको चाहिए, बट जो बिगिनर हैं वो इसको फिलहाल फॉलो कर लें, जो बनाते रहते हैं वो ऊपर नीचे कर लें। बट मैं आपको जो नाप है वो इस तरह बताती जाऊंगी कि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक इंच का बॉर्डर बना लिया यहाँ पे हमने। अब आफ्टर निटिंग बॉर्डर फॉर पजामा वी विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम रो वन, ओके। पहली सिलाई से हम काउंट करना शुरू करेंगे बॉर्डर बना लेने के बाद, चाहे कितनी भी साइज का आपका लेंथ का बॉर्डर हो। रो वन राइट साइड ऑफ योर प्रोजेक्ट आफ्टर निटिंग बॉर्डर रो वन, ओके। बॉर्डर बुन लिया उसके बाद हम पहली सिलाई से काउंट करेंगे, रो वन आफ्टर निटिंग बॉर्डर। आप चाहें तो इसको आठवीं भी काउंट कर सकते हैं, बट मुझे समझाने में आसानी होती है कि सामने वाला जो बिगिनर हो उसको समझाने में आसानी होती है कि भाई कम सिलाइयां होती हैं तो उनको काउंट में प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखें साथ ये फिर आपको यहाँ से नहीं काउंट करना पड़ेगा बॉर्डर से, आप तो यहाँ से सिर्फ पहली सिलाई से काउंट कर सकते हैं क्योंकि हम थोड़े से इंक्रीजेस भी करेंगे इसीलिए। चलें ये हम यहाँ पे रो वन आफ्टर रिटिंग बॉर्डर, बॉर्डर बनने के बाद पहली सिलाई यहाँ पे सारे फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे, क्योंकि ये पजामा स्टॉकनेट स्टिच से बना है। स्टॉकनेट स्टिच क्या होता है, एक सिलाई सीधी दूसरी सिलाई उल्टी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बिगनर्स ये बना लेंगे आराम से। मैंने इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं रखा इंक्रीजेज और डिक्रीजेज के हवाले से, जस्ट इसमें दो इंक्रीजेज होंगे और वो दोनों में आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ होने, ठीक है। कोई भी सवाल इससे रिलेटेड जो आपको चीज ना समझ में आए आप वो कमेंट कर सकते हैं नीचे। रो वन कंप्लीट हो गई आफ्टर निटिंग बॉर्डर, बॉर्डर बनने के बाद अब रो टू पर्ल ऑल स्टिचेस, वी कॉल इट स्टॉक नेट स्टिच, नेट वन रो पर्ल अदर रो ऑल स्टिचेस, सारे फंदे इसको उल्टे बुन लेंगे। आपने ये दो सिलाइयां ही आगे रिपीट करते जाना है जितनी भी आपको लेंथ चाहिए होती है, बट आई विल, मैं आपको बताऊंगी, आई विल टेल यू वेयर टू इंक्रीज स्टिचेस। सिर्फ फंदे बढ़ेंगे, फंदे बढ़ाएंगे, बाकी यही तरीका होगा कि सीधी सिलाइयां सीधी साइड से सीधी सिलाइयां, उल्टी साइड से उल्टी सिलाइयां, सारे फंदे यहाँ पे हमने उल्टे बुन लेने हैं। मैं यहाँ पे स्किप इसलिए नहीं कर रही ताकि बिगिनर्स को हेल्प हो, वो कंफ्यूज ना हो। ये उल्टी सिलाई हो गई हमारी, ये यहाँ पे रॉन्ग साइड और राइट साइड का मैं फर्क अक्सर तौर पे बताती हूँ अपनी वीडियोस में। अभी भी मैंने बताया कि आपने रॉन्ग साइड से नहीं राइट साइड से शुरू करना है स्टॉकनेट स्टिच बुनना। हमने सीधी साइड से सीधी सिलाई बुनी, अब ये उल्टी साइड से उल्टी सिलाई बुननी,
40 ही फंदे हैं यहाँ पे हमारे पास। यहाँ पे सारे फंदे हमने बुन लिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप ये देखें, ये बॉर्डर है, रो 1 2 हो गई हमारी। अब एक पॉइंट दिमाग में रखिएगा, आपने 1 इंच का बॉर्डर बुना, 1 सिलाई सीधी बुनी, 1 उल्टी बुनी, अब थर्ड रो पे आपने कोई भी साइज बुन रहे हैं आप, कोई भी साइज, मतलब जाहिर बात है एडल्ट के लिए नहीं डेफिनेटली, बट बच्चे के लिए, तो आपने थर्ड रो पे निट 1 मेक 1 किसी भी तरीके से फंदा बढ़ा सकते हैं। यू कैन यूज एनी टेक्निक टू इंक्रीज स्टिच, मैंने बहुत सारी टेक्निक सिखाई हुई हैं। निट 1 मेक 1, नाउ निट टू द लास्ट स्टिच, आखिरी फंदे तक हमने, आखिरी फंदे से पहले तक हमने सारे फंदे सीधे बुनने हैं और फिर आखिर में हम आखिरी फंदे से पहले एक फंदा बढ़ाएंगे, ठीक है। ये इंक्रीजिंग वाली सिलाई में बता रही हूँ जस्ट आपको बुन के, आपने बाकी सारी सिलाइयाँ पहली दूसरी सिलाई की तरह बुननी है, जैसे अभी हमने बुनी सीधी साइड से सीधी और रॉन्ग साइड से उल्टी सारे फंदे, तो आपने सारी रॉन्ग साइड वाली जो सिलाइयाँ होंगी बैक वाली वो सारी उल्टी बुननी है आखिर तक, जितने भी हमने चाहिए फंदे, बस जहाँ पे इंक्रीज होगा वहाँ पे आपने शुरू में एक फंदे के बाद फंदा बढ़ाना है और आखिर में एक फंदे से पहले फंदा बढ़ाना है। फंदा किसी भी टेक्निक से आप बढ़ा सकते हैं, बस होल अवॉइड कीजिएगा। कोई ढेरों टेक्निक्स मैंने सिखाई हुई हैं फंदे बढ़ाने की। अब आखिरी फंदे तक हमने बुना से पहले बुना और यहाँ पे अब फंदा बढ़ाएंगे, मेक 1। यू कैन यूज एनी टेक्निक टू इंक्रीज स्टिच, ओके। थर्ड रो कंप्लीट हो गई, फोर्थ रो पर्ल ऑल स्टिचेस, ओके। नाउ कीप निटिंग स्टक नेट स्टिच फॉर 8 इंचेस टोटल। 8 इंचेस कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर आखिर तक 8 इंचेस तक हमें लेंथ मिले। अब लेंथ भी आप अपनी मर्जी से बढ़ा घटा सकते हैं, जो बच्चे के लिए आपको साइज चाहिए, बड़ा छोटा डिपेंड करता है किसके लिए आप बन रहे हैं, ये छोटे बच्चे के लिए। तो अब यही रो 4 पर्ल, देन रो 5 नेट ऑल स्टिचेस, देन 6 पर्ल ऑल स्टिचेस, कीप रिपीटिंग Row 1 and 2 आफ्टर निटिंग बॉर्डर। बॉर्डर बनने के बाद जो पहली और दूसरी सिलाई बुनी ना, अब कीप रिपीटिंग दोज 2 रोज फॉर योर डिजायर्ड लेंथ, उसके बाद हम आगे बुनेंगे। पे मैंने 8 इंचेस तक बुन के कंप्लीट कर लिया है एक साइड पजामे की, ठीक है। पहले बॉर्डर बुना यहाँ पे 1 इंच का, उसके बाद 1 सिलाई सीधी 1 उल्टी बुनी, ये राइट साइड है यहाँ पे, उसके बाद तीसरी सिलाई पे 2 फंदे बढ़ाए, 1 यहाँ से 1 यहाँ से, फिर स्टॉक नेट स्टिच से कहते हैं, सीधा सीधा बुन लिया, कोई इंक्रीज नहीं था। अब यहां पे हमने 8 इंचेस तक बुन लिया है इसकी जो लेंथ है, और ये स्टॉक नेट स्टिच होने की वजह से थोड़ा सा अंदर चला जाता है, जब आप सी लेंगे ना साइड इसकी तो फिर वो ठीक हो जाएगा आफ्टर सीइंग साइड्स, ठीक है। 9 इंचेस तक इसकी विड्थ है और 8 इंचेस तक इसकी लेंथ है। अब जब आप 8 इंचेस तक पहुंच जाएंगे ना, व्हेन वी रीच 8 इंचेस वी विल इंक्रीज 1 स्टिच फ्रॉम ईच साइड, 1 फ्रॉम हेयर 1 फ्रॉम हेयर। अच्छा, मेरे पास जो सिलाइयाँ हैं वो हैं 42 यहाँ से लेकर, आई हैव निटेड 44 रोज फ्रॉम हेयर, यहाँ से लेकर पहली सिलाई बॉर्डर के बाद से लेकर यहाँ तक मेरे पास जो है 44 सिलाइयाँ हैं, बट आप यू विल नॉट फॉलो द रोज, यू विल फॉलो मेजरमेंट, ठीक है। 8 इंचेस लेंथ 9 इंचेस विड्थ,
अब आप बोलेंगे कि आपको कैसे पता चले कि भाई हम किस तरह फंदे कास्ट ऑन करें। मैंने वीडियो गाज बनाना उसे कहता है, कहते हैं आप, आपके पास जो भी निडल्स अवेलेबल हैं उन आप उससे गाज बनाते हैं। आप मेरी वीडियोस देख लीजिएगा, मैं कोशिश करके डिस्क्रिप्शन में दूंगी हाउ टू कास्ट ऑन स्टिचेस फॉर एनी प्रोजेक्ट, ठीक है, देख लीजिएगा, आपकी हेल्प होगी। बहरहाल आप इसको फिलहाल फॉलो कीजिएगा अगर आपके पास ये सिलाइयाँ हैं तो, जिनके पास नहीं है वो देख सकते हैं वो। अब यहाँ पे आफ्टर निटिंग फॉर 8 इंचेस, 8 इंचेस बुनने के बाद नेक्स्ट रो, सॉरी ये टेढ़ा हो गया था, इसको सीधा कर लिया। नेक्स्ट रो आफ्टर निटिंग 8 इंचेस, 8 इंचेस यहां से लेकर, ठीक है, और राइट साइड आप देख रहे हैं डेफिनेटली, निट वन मेक वन सेम एज रो 3, जैसे हमने तीसरी सिलाई बुनी, एक फंदा सीधा बुना एक बढ़ाया। नाउ निट टू द लास्ट स्टिच एंड वी विल इंक्रीज एन अदर स्टिच बिफोर लास्ट स्टिच। हम आखिर तक सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे, आखिरी फंदे से पहले एक फंदा बढ़ाएंगे, ठीक है। पजामा बनाने के, बेबी पेंट्स बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं बुनाई में, ये मतलब कि ऐसा आर्ट है। बस कुछ बेसिक्स होते हैं वो आपको आने चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सिर्फ प्रोजेक्ट की वीडियोस ना देखा करें, टेक्निक्स की वीडियोस भी देखा करें जो मैं डालती हूँ, जो कि आपको हेल्प होगी, उनसे सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नई चीज, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे, मेक वन नाउ अगेन, ठीक है। नाउ रिटर्न रो सेम एज रो 2, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे यहाँ पे हम उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल स्टिचेस। यहाँ पे मैंने सारी सिलाई उल्टी बुन ली है, ठीक है। अब ऐसा ही आपने दूसरा भी पार्ट बनाना है, सेम ऐसे, सेम इसी तरह फंदे कास्ट ऑन करेंगे 40, उसके बाद बॉर्डर बुनेंगे, उसके बाद ऊपर, सेम इसी तरह से। मैंने यहाँ पे पहले ही बुन के रखा है, ठीक है, सेम मैंने एक्स्ट्रा नेडल पे डाल के रखा है। आप क्या करेंगी, आप बुनने के बाद एक पार्ट, आप जो पार्ट बना लेंगी वो उसको एक्स्ट्रा निडल पे डाल देंगी, और फिर दूसरा पार्ट इसी निडल पे आपने बनाना है, आपने दूसरी निडल पे नहीं बनाना। अब हम यहाँ तक हो गए हैं डन, अब हमने क्या करना है, दोनों पार्ट एक निडल पे डाल लेने हैं और साथ आगे बुनना है। तो मैं आपको यहाँ पे पहले हम इसको पार्ट को डाल लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे धागा काटा हुआ है, हमारे पास धागा नहीं है, ठीक है। तो ये हम पहले डालेंगे निडल में, ताकि आप इस तरह भी डाल सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं, ताकि धागे गिरे ना, फंदे गिरे ना। फंदे डालने के बाद काउंट जरूर किया करें, कभी कभी फंदा गिर जाता है, जो कि फिर आपको प्रॉब्लम होती है। ये इस तरह से आप फंदे डाल सकते हैं निडल पे। मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे कोई स्टेप स्किप ना करूँ, ताकि आपको हेल्प हो, ठीक है। यहाँ पे हम सारे फंदे डाल लेंगे। अब आपने ये डालने के बाद ये फंदे भी इसी तरह डालने हैं निडल पे, बट आई विल ट्राई कि मैं आपको दिखाऊं स्किप ना कर। होता यूं है कि समटाइम्स वीडियोस जो हैं वो बिग लेंथ की हो जाती हैं, इसीलिए क्योंकि मैं डिटेल्स बता रही होती हूँ। कुछ लोग छोटी लेंथ की वीडियोस खोल लेते हैं जिनमें सारी डिटेल्स नहीं होती हैं, बट वो जो बुनाई करते रहते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं करते उनको चाहिए कि डिटेल्ड वीडियो दिखा करें, ताकि आपकी हेल्प हो। अच्छा, यहाँ पे डाला इस निडल पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे धागा नहीं था हमारे पास, अगर धागा होता ना तो हम यहीं पे डाल लेते। उसके लिए आप दो बॉल्स यूज कर सकते हैं उनके, डजंट मैटर, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, ये धागे उतार लेंगे। मैं करती रहती हूँ बुनाई, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। आप आहिस्ता आहिस्ता से डालिएगा ताकि गिरे ना प्लीज। जो बिगिनर हैं डोंट ट्राई दिस, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फंदे गिर सकते हैं। बट मैं बुनाई करती भी रहती हूँ, उसके बाद भी जब मैं फंदे ट्रांसफर करती हूँ उसके बाद मैं काउंट जरूर करती हूँ। काउंट करा करें, कभी कभी कोई फंदा गिर जाता है और फिर आपके लिए मुसीबत बन जाएगी, आपको प्रोजेक्ट खोलना पड़ेगा या फंदे उठाने पड़ेंगे। फंदे उठाने की भी एक टेक्निक है जो कि मैंने डिटेल में बताई हुई है, एक नहीं बहुत सारी टेक्निक हैं दरअसल, देखा करें टेक्निक्स प्लीज। ठीक है, अब देखें मैंने यहाँ पे कुछ स्किप नहीं किया, खींच के देख लिया करें कि कोई फंदा गिरा नहीं है, काउंट कर लिया करें। ठीक है, अच्छा अब दोनों एक जगह पे आ गए, एक निडल पे। अब क्या करेंगे, रो वन निट ऑल स्टिचेस, धागा देखें अटका हुआ है, और अगर आप गलती से काट भी देना धागा तो आपने क्या करना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरा बॉल लेकर या धागा लेकर लगा सकते हैं। निट ऑल स्टिचेस, अच्छा जी यहाँ पे हमने पहली सिलाई देखें बुन ली है। यहाँ पे मैंने इस धागे को लेकर भी दो फंदे बुने, इसलिए ताकि धागा ये टकिन हो जाए, इसमें अटक जाए। अच्छा अब यहाँ पे हम रिटर्न रो बुनेंगे, सारे फंदे उल्टे। ठीक है, अब यहाँ पे सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे, पर्ल ऑल स्टिचेस, रो टू After joining both parts, row one knit all stitches. Now row two per row one knit all stitches. Now row two purl all stitches. पहली सिलाई सारे फंदे हमने सीधे बुने, अब row two उल्टे। यहाँ पे हमने दूसरी सिलाई भी बुन ली है, और दूसरी सिलाई पे आपने एक बात दिमाग में रखनी है, गैप अवॉइड करने के लिए जब आप यहाँ पहुंचे तो आपने ये धागा खींचना है ताकि थोड़ा सा गैप अवॉइड हो जाए। ठीक है, नाउ कीप रिपीटिंग रो वन एंड टू फॉर योर डिजायर्ड लेंथ फॉर द अपर पार्ट, ऑलवेज कीप इन माइंड किड्स वेयर डाइपर्स टू, सो इट शुड बी लिटिल बिगर देन द साइज। ओके, आपने पहली सिलाई जो अभी यहाँ पे साइड्स मिलाने के बाद एक सीधी बुनी एक उल्टी बुनी, इसी तरह रिपीट करते जाना है अपनी डिजायर्ड लेंथ के लिए, आप जिस भी साइज का बुन रहे हैं। ये तो मैं आई विल शो यू मेजरमेंट फॉर दिस, मैं आपको नाप इसकी बताऊंगी कि कितना करना है, उसके बाद हम बॉर्डर बुनेंगे। तो अभी हम सीधे सीधे बुन लेते हैं और उसके बाद आई विल शो यू कि इसकी लेंथ कितनी है, उसके बाद हम ऊपर बॉर्डर बुनेंगे, पट्टी जहाँ पे डोरी डालेंगे हम, आप इलास्टिक भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम ये बुन लेते हैं, रिपीट रो वन एंड टू आफ्टर जॉइनिंग दिस वर्ड, नेट ऑल स्टिच राइट साइड पर ऑल स्टिच रॉन्ग साइड, कीप रिपीटिंग। यहाँ पे मैंने टॉप पार्ट जो है इसका ऊपर वाला हिस्सा पजामे का वो बुन के कंप्लीट कर लिया है, अभी हम इसको नाप के देखेंगे
कि हमें नापना आपने इसको बिल्कुल सीधा करके है, ठीक है। 6 इंच तक हमने ये इसका जो ऊपर वाला पजामे का पार्ट है वो बुन लिया है, ठीक है। आपने मेजरमेंट को फॉलो करना है, सिलाइयों को नहीं, मैं फिर से कह रही हूँ, ताकि आपको आपके पास जो निडल्स हैं उससे सही साइज मिल सके जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। हमने यहाँ पे बुना दोनों पार्ट्स पजामे के, और फिर उसके बाद इनको मिला के ऊपर वाला हिस्सा 6 इंच तक बुन लिया। अब 6 इंच तक ऊपर वाला हिस्सा बुनने के बाद हमने यहाँ पे बॉर्डर बनाना है, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है कि आप ऐसा वाला बॉर्डर बनाएं या कोई और डिज़ाइन रख लें, दो वाला, दो सीधे दो उल्टे वाला रख लें भी आपकी च्वाइस है, बट मैं यहाँ पे एक सीधे एक उल्टे वाला ही रखूँगी। ये सेम ऐसा जैसे हमने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है, सेम ऐसा बॉर्डर हम यहाँ पे बनाएंगे। उसके लिए 6 इंच बुनने के बाद आफ्टर नेटिंग 6 इंचेस फॉर अपर पार्ट ऑफ दिस पैंट विल स्टार्ट नेटिंग बॉर्डर फ्रॉम हेयर विल काउंट स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम रो 1 फॉर बॉर्डर के आफ्टर कंप्लीटिंग होल पजामा पैंट्स विल स्टार्ट नेटिंग बॉर्डर हेयर सेम बॉर्डर 1x1 रिब बॉर्डर। रो 1 पहली सिलाई बॉर्डर के लिए हम पहली सिलाई काउंट करेंगे क्योंकि अब हम बॉर्डर बुन रहे हैं। 6 इंच तक बुन लिया, अब हम बॉर्डर बुनेंगे पजामे के लिए, तो हम रो 1 से काउंट करेंगे ताकि आपको फॉलो करने में आसानी हो, ठीक है। निट 1 पर्ल 1 सेम जैसे कि हमने पजामे के लिए शुरू करते वक्त इधर बुना। निट 1 पर्ल 1 मीन एक सीधा एक उल्टा फंदा, हम इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। निट 1 पर्ल 1 फिर से धागा पीछे, एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा। निट मीन्स सीधा फंदा, पर्ल मीन्स उल्टा फंदा, फंदा कह लें, घर कह लें, जो आप को आसानी हो, ठीक है। हम ये पूरी रो यहाँ तक निट 1 पर्ल 1 करके बुन लेते हैं, जिसे 1x1 रिब वाला बॉर्डर कहते हैं, एक सीधे एक उल्टे वाला, जिसमें एक फंदा सीधा एक उल्टा होता है। यहाँ पे हमने पहली रो कंप्लीट कर ली है, ठीक है। रिटर्न रो पे आपने सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा फंदा बुनना है, जिस तरह से हम 1x1 रिब वाला बॉर्डर बुनते हैं, ठीक है। रो 2 और एनी रिटर्न रो, निट ऑन निट, पर्ल ऑन पर्ल, ओके। तो सो दैट मीन यू हैव टू रिपीट रो 1 फॉर 7 more times, 7 दफ़ा और हम यही एक सिलाई को रिपीट करेंगे, क्योंकि हमने टोटल 8 सिलाइयाँ बॉर्डर के लिए बुननी है। मैं आपको मेजरमेंट बताऊंगी, आप उसको फॉलो कीजिएगा कि फिर कितना बॉर्डर होगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, रो 2 सेम एज रो 1, और अगर वैसे तो जाहिरी बात है जो है इक्वल फंदे हैं, मतलब कि 44 फंदे थे इधर, 44 फंदे थे इधर, 88 स्टिचेस हैं, तो डेफिनेटली अगर निट 1 पर्ल 1 पे शुरू करेंगे तो यहाँ पे पर्ल 1 पे एंड होगा, तो यहाँ पे निट, ठीक है। लेकिन अगर रिबिंग का ये होता है कि अगर आपका बैक रिटर्न रो पे जब आप आते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर इधर से निट 1 है और इधर से पर्ल 1 है, तो आपने क्या करना है, उल्टे पे उल्टा बुनना है, सीधे पे सीधा फंदा बुनना है, यही रिबिंग होती है बिगिनर्स के लिए। तो हम अब जो दूसरी सिलाई है वो भी पहली सिलाई की तरह बुनेंगे, तीसरी भी पहली सिलाई की तरह बुनेंगे, चौथी, पांचवी, छठी, टोटल 8 सिलाइयाँ, 8 rows ऑफ 1x1 रिब बॉर्डर हम ये बुनेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद फिर हम, मैं आपको इसका नेक्स्ट जो स्टेप है वो बताऊंगी। अभी आप सेम इसी तरह बुन लें, एक सीधा एक उल्टा करके, फिर आप जब तीसरी पे आएंगे वो भी पहली सिलाई की तरह, चौथी भी पहली सिलाई की तरह, टोटल 8 rows बुन लें। जैसे कि हमने यहाँ पे 7 सिलाइयाँ बुनी ना, 7 rows, यहाँ पे हमने 8 rows बुननी है सेम उसी तरह से। उसके बाद हम इसका जो है, मैं आपको नाप भी बताऊंगी और नेक्स्ट जो इसका स्टेप होगा आगे कैसे करना है वो भी बताऊंगी। यहाँ पे मैंने बॉर्डर बुन के कंप्लीट कर लिया है पाजामे का ऊपर वाले हिस्से का। अब ये है अराउंड 1.1 or 2 inches, ठीक है।
अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा या छोटा रखना चाह रहे हैं। आप चाहें तो और बड़ा करके इसको फोल्ड कर लें। हम अगर सेंटीमीटर में देखें तो ये है 3 सेंटीमीटर निडल के नीचे से, ठीक है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बॉर्डर को थोड़ा सा और बड़ा करके फोल्ड कर लें डोरी डाल लेने के बाद, या अगर आप इसमें इलास्टिक डालना चाह रहे हैं तो भी आप इसको थोड़ा और बड़ा करके बीच में इलास्टिक डाल के और उसको सी सकते हैं यूं करके, आई मीन बैक साइड पे डेफिनेटली, ठीक है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैं अभी डोरी डालूंगी तो मैंने इतना बनाया है। अब ये भी आपकी मर्जी है कि डोरी आप यहाँ डालें और इसको फोल्ड कर लें, या डोरी बीच में डाल के इसको फोल्ड कर लें, या फोल्ड ना ही करें, ठीक है। और अगर जब ये छोटा होने लगे बच्चे को तो आप यहाँ पे डाली हुई डोरी निकाल के यहाँ पे भी डाल सकते हैं कि थोड़ा सा वो और पहन ले। ये भी थोड़ी सी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं निटिंग की, कि भाई पहले आप फोल्ड कर लें, उसके बाद जैसे छोटा होने लगे उसको आप पहना दें, सही है। तो मैंने आपको इसकी नाप बता दी है, आपने बॉर्डर को नाप के हिसाब से फॉलो करना है, निडल्स के हिसाब से नहीं करना है। यू विल फॉलो मेजरमेंट। 8 सिलाइयों तो हमने बुनी है यहाँ पर आपने फिर भी नाप को फॉलो करना है। हो सकता है आपको 6 सिलाइयों पे ये मिल जाए या 10 सिलाइयों पे मिले ये नाप, टोटली डिपेंड करता है। और बॉर्डर को छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट रो बाइंड ऑफ, रिबिंग बाइंड ऑफ इसे कहते हैं, रिबिंग बाइंड ऑफ, जो कि मैंने डिटेल में सिखाया हुआ है। बाइंड ऑफ की बहुत सारी टेक्निक्स मैंने सिखाई हुई है। इसमें क्या होता है, ये ज़्यादा टाइट नहीं हो जाता बाइंड ऑफ जब हम करते हैं। सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे और उल्टे फंदे को उल्टा बुन के बाइंड ऑफ करेंगे। निट ऑन निट स्टिच, पर्ल ऑन पर्ल स्टिच एंड देन कीप बाइंडिंग ऑफ देम, क्लोजिंग देम, इनको बंद करते ऐसे जाएंगे, उल्टे को उल्टा बुनेंगे, सीधे को सीधा बुनेंगे। ये रिबिंग बाइंड ऑफ है जो कि मैंने सिखाया है। रिबिंग पे हमेशा आपने इसी तरह बाइंड ऑफ करना है। मैं थोड़ा सा और बताती हूँ बुन के, उसके बाद फिर आप करेंगे। ये सीधा फंदा है, इसको सीधा बुन के और ये वाला फंदा इसके ऊपर गुजारेंगे। ये उल्टा फंदा है, अब इसको आपने उल्टा बुनना है। निट ऑन निट स्टिच, पर्ल ऑन पर्ल स्टिच, सीधे फंदे को सीधा बुनना है, उल्टे को उल्टा बुनना है, फिर इसके ऊपर से गुजार के ड्रॉप करेंगे जिस तरह नॉर्मल बाइंड ऑफ करते हैं। बट जस्ट आपने क्या करना है, सीधे फंदे को सीधा, उल्टे को उल्टा बुन के बाइंड ऑफ करना है। तो हम ये सारे फंदे इसी तरह बंद कर लेते हैं, बाइंड ऑफ ऑल स्टिचेस सेम वे। फंदे बंद कर लेने के बाद अब हम इसकी साइड जब लाने लगेंगे, आपने धागा भी काट लिया अंदाजन, ठीक है। अब हम निडल से साइड सीना शुरू करेंगे। आप कोई भी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं साइड सीने की, कोई भी जो आपको आती हो, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पहले आप यहाँ पे धागा अटकाएंगे, उसके बाद आपने दो घर यहाँ, दो लाइनें यहाँ से लेनी है और दो यहाँ से लेनी है और इसी तरह मिलाते जाना है। सिंपल टेक्निक है, आपको कोई भी आती हो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा बंद करते और इसको खींचते जाएंगे। अगर आप खींचते नहीं जाएंगे तो धागा अटकेगा, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि आप थोड़ा सा मिला के उसको खींच लें ताकि आपका धागा ना अटके कहीं पे भी, वरना आपको फिर पीछे जाना पड़ेगा या धागा टूट सकता है। तो आपने इसी तरह से मिलाते जाना है यहाँ तक, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा पजामे का मिलाने के बाद फिर हम दोनों साइड्स मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने ऊपर वाला हिस्सा पूरा बंद कर दिया है। अब हम इस धागे को यहीं छोड़ देंगे और यहां से इसको सीना शुरू करेंगे, क्योंकि हमने यहां पे धागे छोड़े हुए हैं नीचे। सेम उसी तरह से जिस तरह से यहाँ से शुरू किया बंद करना, उसी तरह से इसको बंद करेंगे, यहाँ पे अटकाएंगे और दो आपने घर इधर से लेने हैं लाइनें
और दो यहाँ से, और इसी तरह से आपने बंद करते जाना है यहाँ से। यहाँ पे मैंने ये वाली साइड भी सी ली है और ये वाली साइड भी इधर से इसको भी सी लिया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धागे बचे हुए हैं जो इस साइड वाला और इस साइड वाला, वो भी हमने अंदर की तरफ ले लेने हैं, बैक साइड जो है रॉन्ग साइड पजामे की, ठीक है, दोनों। और जो यहाँ पे होल है हम उसे बंद करेंगे इस वाले धागे से, उसके बाद आखिर में हमने वेविन करना है। अब हम देखेंगे कि हम इसको और कितना बंद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ तक इसको बंद किया था कि पहले हम यहाँ तक बंद किया था और उसके बाद हमने देखना था कि साइड सीने के बाद कितना कितना यहाँ पे कितनी जगह छूट रही है, ठीक है, साइड मिलाने के बाद। तो अब हम थोड़ा सा इसको और मिला लेंगे और उसके बाद इसको खींच लिया। खींच लेने के बाद अब हम इसको भी अंदर की तरफ कर लेंगे, अंदर की तरफ इसको भी कर लेंगे और फिर इसको उल्टा करके जो होल है इधर जगह बची है उसको सी लेंगे। फिर बाद में आखिर में सारे धागे आपने वेव इन कर लेने हैं। आप सिंपली इसे किसी तरीके से भी बंद कर सकते हैं ताकि टाइट हो जाए। ख़ास तौर पे ये जगह खुल जाती है तो हमने जस्ट सिंपल इसको इस तरह से बंद कर देना है ताकि ये टाइट हो जाए, ये जगह खुले ना, ठीक है। इसी तरह इसको टाइट कर लेंगे, मैं बाद में कर लूँगी आपको। जस्ट अब मैं जल्दी से बता दूँ कि डोरी कैसे इसकी, हाँ इस तरह से भी आप इसे फोल्ड कर सकते हैं डोरी डालने के बाद। अब आप इसे इसे फ्रंट साइड कह लें या इसे फ्रंट साइड कह लें वो आप पे डिपेंड करता है। सिंपली आप अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप क्रोशिया वाली डोरी भी डाल सकते हैं इसमें, आप इसमें बुनकर भी डोरी डाल सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे किस तरह से आपने कॉर्ड बनानी है, नेटेड कॉर्ड हो या अगर आपने निटेड कॉर्ड बनानी है तो आप इस तरह से बनाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिटेल में जिन्होंने देखना है। कास्ट ऑन वन स्टिच, एक फंदा कास्ट ऑन कर लेना है और उस एक फंदे को आपने बुनते जाना है, जस्ट निट ऑल रो, ठीक है। इसी तरह आपने इसको कोई भी आपने निडल ले लेनी है, मैं जस्ट जल्दी जल्दी मैं आपको बता रही हूँ ताकि टाइम बच जाए हमारा। आपने एक फंदा कास्ट ऑन किया और उसी को इस तरह से बुनते जाना है और आपके पास एक फंदे वाली वन स्टिच कॉर्ड बनती जाएगी। आप क्रोशिया भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है। ये निडल्स थोड़ी बड़ी हैं, शायद आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो, आप छोटी भी ले सकते हैं, आसानी से ये बन जाएगी कॉर्ड। पूरी कॉर्ड बना लेंगे और थोड़ी सी बनाने के बाद इसमें डाल लेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ यहाँ तक आ जाए ताकि हम इसको आराम से बंद कर सकें। तो मैं बुन लेती हूँ, आप भी बुन लें वन स्टिच कॉर्ड। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दिस ट्यूटोरियल हाउ टू निट अ निट कॉर्ड वन स्टिच कॉर्ड। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी बुन ली है डोरी, अब मैं इसको फिलहाल बंद नहीं कर रही हूँ, बट पहले हम इसे डाल के देखेंगे पजामे में कि कितनी और डोरी हमें चाहिए। ये टेक्निक आपको बताने के लिए मैं कर रही हूँ, मैं आखिर में आपको नाप के भी बता सकती थी, ठीक है। आप कोई भी पार्ट जो है उसको फ्रंट बना लें, जो भी आप चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम डालेंगे डोरी, डालना शुरू करेंगे। मैंने होल इसलिए नहीं बनाए क्योंकि हमने वन स्टिच वाली डोरी बनाई है जो कि आसानी से चली जाएगी, बट होल बनाना बहुत आसान है, यार्न ओवर करके आप
होल्स बना सकते हैं, एक दो तीन, तीन फंदों बाद, तीन लाइनों बाद, ये रोज है ना, एक दो तीन, ये तीन रोज हैं, उसके बाद हम ये डालना शुरू करेंगे। आप गैप कितना भी अपनी मर्जी से दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप चार रोज बाद डालना चाह रहे हैं, पांच रोज बाद डालना चाह रहे हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। और गैप कितना रखना चाह रहे हैं आप बीच बीच में, वो भी आप पे डिपेंड करता है। तो हम ये डोरी डाल लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद देखते हैं हमें कितनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने यहाँ तक पूरा डाल लिया है इस डोरी को। अब आप देख सकते हैं कि ये डोरी यहाँ तक आ रही है, तो ये जो हमने यहाँ तक बुना है इसको हम और थोड़ा बुन लेंगे। ये सिर्फ टेक्निक बताने के लिए आपको कर रही हूँ कि आपको कैसे पता चले कि आपको कितनी डोरी बुननी है, कितनी बड़ी डोरी बुननी है। मैं आपको मेजरमेंट तो बता सकती थी, बट ये है कि ये फिर फॉरएवर के लिए आपको पता चल जाएगा किसी भी साइज के लिए किस तरह हेल्प होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको और हम ये धागा इस पर डाल लिया है जो कि एक लूप है, इसको इसी तरह और बुनते जाएंगे हम इस तरह से। यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ का इसको बुन लिया है, दोनों बराबर हो गए हैं यहाँ पे। अब हम इसको धागे को सिक्योर करके धागा काट लेंगे उतना ही जितना दूसरी साइड पे है। अब आप चाहें तो इस धागे को वेविन कर सकते हैं और चाहें तो ना। मैं इसको रहने देती हूँ ताकि हमेशा इसको नॉट लगाने में आसानी हो। होप सो कि आपको ये वीडियो इससे हेल्प हो गई हो। अब आप इसको यहाँ पे टाई कर देंगे, जब बच्चे को पहनाएंगे तो इसको खींच के बंद कर लेंगे। आप चाहें तो पॉम्पम भी इधर लगा सकते हैं, आप चाहें तो टसल भी इधर लगा सकते हैं, वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पजामा तैयार कर लिया है हमने, और अगर आप ये वाले मैचिंग बूटीज बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पूरा सेट है और मैं कोशिश करूंगी बहुत जल्दी मैचिंग इसका जो स्वेटर है वो भी बनाना सिखाऊं। वीडियो को सब्सक्राइब करके आप बेल बटन जरूर दबाया करें, इससे आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाया करेंगी, आसानी होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।